आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं सेल स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक को डिस्कस करने का मुख्य कारण ये है कि समय देखेंगे कि ये स्टॉक अपने 20 EMA के नीचे ट्रेड होते हुए दिख रहा है और उसको श्योरली ब्रेक करेगा। डिलीवरी देखे तो 40% और टेक्निकली स्टॉक देखे तो पिछले 1 वीक से कंसोलिडेट फॉर्म में है, जबकि 1 मंथ का रिटर्न अराउंड 8% के आसपास का रहा है। इस समय इस स्टॉक में व्यू काफी बुलिश है। हमने ऑलरेडी इस स्टॉक में देखा कुछ ब्रेकिंग न्यूज ट्रेंड होते हुए दिखी थी, जहां इस स्टॉक में जो न्यूज रही थी वो हमने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को लेकर के कार्य कंपनी करने जा रही है और टेक्निकली भी जो मेटल है CNX मेटल वो देखेंगे एक रेजिस्टेंस 5950 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करा है। श्योरली ये ट्रेंड कंटिन्यू मेटल सेक्टर में हो सकता है। इस समय जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं सेल स्टॉक के अंदर वो SL फॉलो करेंगे, 76 के नीचे के SL को फॉलो करेंगे। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो स्टॉक 20 EMA के रिस्पेक्ट को ले रहा है एज अ सपोर्ट, लेकिन मंथली में देखेंगे तो वो सपोर्ट 86 के आसपास का है। तो हालांकि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्पस है तो मेरा पहला टारगेट जो है वो 88-90 दिखेगा, जहां 76 के नीचे के SL को फॉलो करेंगे। और नेक्स्ट टारगेट इस स्टॉक में जो दिखने वाला है 100 का दूसरा टारगेट और 112-115 का तीसरा टारगेट श्योरली सेल स्टॉक में दिखेगा। साथ में एक दूसरा स्टॉक मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, इंटरनेशनल कन्वेयर्स। उसमें आज स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिखा, इंटरनेशनल कन्वेयर्स को अपने रडार पे रख सकते हैं। जिस प्रकार से स्टॉक में एक ह्यूज कंसोलिडेशन के बाद आज ब्रेकआउट देखने को मिला है, ये स्टॉक भी काफी अप ट्रेंड में ट्रेड होते हुए दिख सकता है। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर आप इंटरनेशनल कन्वेयर्स में पोजिशन लेते हैं तो अराउंड 82-85 तक का टारगेट होना चाहिए, जहां स्टॉप लॉस 58 के नीचे के SL को फॉलो करेंगे।